गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हेलो, आग लगी आसमान में जुर जुर पड़े अंगार, गुरुदेव न होते जगत में दुनिया में मुलक में भवसिंद में संसार में जाड़ो जल जा तो संसार। सजनों भजन एक ही है, चाहे जोधपुर का है, चाहे नागौर का है, चाहे पाली का है, चाहे मारवाड़ का, भजन एक है, लेकिन थोड़ा गाने का एक तरीका लाइन अलग है, भजन सब एक ही है। चाहे तो आप मंदिर में जाओ, चाहे सांवरा सेठ के जाओ, चाहे खाटू जाओ, चाहे शालासर जाओ, साहब भगवान एक ही है, लेकिन भगवान को प्राप्ति करने को मार्ग न्यारो न्यारो है। अब कोई रजई ओढ़ बैठा है, कोई शॉल ओढ़ बैठा है, बैठा तो सब जना ही बचने वाते ही है ना। रजई क्या बात ओढ़ी, सर्दियों बचन है, कामल क्या ओढ़ियो, सर्दियों बचन है, कोट क्यों पहरियो, सर्दियों बचन है। बचने को तरीको अलग अलग है, लेकिन सर्दी एक ही है। आको नहीं कोई प्रसाद ढकने वाते रजई ओढ़ी, तरीका अलग अलग है, लेकिन भजन एक ही है। कोशिश करेंगे थोड़ा मेल जोल हो जाए, एक दो भजना के बाद में थारो मारो दौड़ो बहु जाए, क्योंकि भाषा भी समझ में आ जाए। साहिब कबीरदास जी महाराज बहुत सुंदर बात लिखी कि मैं एक विश्वास कर जागरण में पधारी हूं, विश्वास सबसे बड़ी चीज। आप इतनी सर्दी में घरों आया तो विश्वास रे कारण आया हो कि मालकेत बाबा रो नाम रो जागरण हो, विश्वास है बाबा रो आने को मार्ग आपको हो। बाबे ने अपना नाटक बुलाया, क्योंकि बड़े लोगों ने लिखा है कि बगीचे में फूल खिले हैं तो बहुरों ने गुनगुनाया है, बगीचे में फूल खिले हैं तो बहुरों ने गुनगुनाया है, और इस जागरण में वही सजन आया है जिसको श्री मालखेत बाबा ने बड़े प्रेम से बुलाया है। आप और सबको बड़े प्रेम से बाबा ने याद किया, तब इतनी सर्दी में आप यहाँ अपना घर छोड़ के आए हो। साहब जागरण में आनो बहुत दौरों है, आदमी भोजन में जा सके हजार किलोमीटर, लेकिन भजन में जानो बहुत दुर्लभ है। साहिब कबीरदास जी महाराज की बहुत पुरानी वाणी में लिखी, ये जी सतगुरु मारी ओ जी नाम दयालु, ओ परमेश्वर मारी नाम, ये जी सतगुरु मारी नाम दयालु, ओ परमेश्वर मारी नाम, ये भरोसे थाके चाले वो सतगुरु मारी ना, ये भरोसे थाके चाले वो सतगुरु मारी ना, ये भरोसे बाबा रे चाले वो सतगुरु मारी ना। बल के बाबा की जय हो, Oh,
भरोसे आपके चाले सतगुरु मेरी नाम ओ भजन आप लोग क्योंकि सबने भरोसो भगवान को है। एक बेटा रो भरोसो बाप करे कि मारो बेटो बड़ो वेर मने बुढ़ापा में मां की सेवा करे। वो बाप ने भरोसो में बेटा को जन भी बेटा ने पढ़ावे लिखावे धंधो करावे बिजनेस करावे व्यापार करावे। एक बाप ने भरोसो बेटा को, एक मां ने भरोसो बेटी को कि मारी बेटी मारो मायता को नाव लज्जित ना करे। मां ने भरोसो मां बेटी रे खांदा माते हाथ देवे बेटा तू पराया घर में जावे उठे मारो मान बढ़ावेला। एक बेटी ने भरोसो मां को, बाप ने भरोसो बेटा को, अरे गुरु ने भरोसो चेला को और आपा ने भरोसो सत्संग को। क्या जी जागने में बैठा हाँ आज सत्संग आपा ने डूबण देखो ने साहब हजार जतन कर लो। आदमी मिठाई खाने के बाद पछतावो करे, रोटी चिमण के बाद पछतावो करे, सफर करने के बाद पछतावो करे कि आज 500 किलोमीटर में परेशान हो गयो। लेकिन आज तक कोई आदमी एडो नहीं एक भजन सुनने के बाद पछतावो करियो कि रात 10 भजन ज्यादा उण लिया मारा कान खराब होगा।
आज तक कोई शास्त्र में लिखा है कि ज्यादा भजन सुनने से कभी किसी के कान खराब हुए? नहीं। हाँ ठीक है, कोई जिंदगी में नहीं हुनी उठो तो बात अलग है। कभी मैं तो जिंदगी में कभी जागरण हुई ही कौन है, तो बाकी बीमारी कोई दूजी है और बाकी वास्ते आप खाटू श्याम जी की फेरी लगा सको, उसकी बीमारी का इलाज मेरे पास भी नहीं है। तो भरोसे आपके चाले सतगुरु मारी नाव, 5 वर्ष को टाबर वे स्कूल में एडमिशन करावा तो भी मास्टर ने कहवा मार साहब वो टाबर आप रहे भरोसे है। अभी मिनक बनानो है, डॉक्टर बनानो है, कलेक्टर बनानो है, इंजीनियर बनानो है या जेब कतरो बनानो है, वो आप रे भरोसे है। अब वो मास्टर चावे जो को बना सके, मार साहब का सब दवाई है, वो चावे तो इंजीनियर बना सके, चावे तो डॉक्टर भी बना सके, हेर टाबरिया में लकड़ नहीं है तो साहब मोटो जेब कतरो भी बन सके, 5 रुपया में कैंची भी उपलब्ध है। इसलिए भरोसा सबसे बड़ी बात है। और जिसने भरोसा कर लिया, भगवान कहो है भरोसा का दूसरा नाम है विश्वास। आज आपा खेत में मूंग बावा, बाजरो बावा, ज्वार बावा, मोट बावा, आज बावा तो 4 महीना बाद में फसल मिले कि नहीं मिले, के काले सुबह मिल जावे। आज मूंग बाया तो 4 महीना बाद में फसल मिलनी है, क्योंकि 4 महीना रो भरोसो करियो इंद्र भगवान को, माल खेत बाबा को। तो भगवान खुद कहो कि तू मोह का ढूंढतो फिरे बंदा, मैं हूं तेरे पास में, नहीं बैठो मैं मथुरा में, नहीं बैठो कैलाश में, नहीं मैं बैठो आप पाताल में, नहीं बैठो आकाश में, हे अगर दिल में सच्चा विश्वास और भरोसा तो बंदा मैं हूं तेरे पास में। भगवान अपने बीच में साहब, अपन जीता भी भक्त विराजा 500,000 आदमी जगह बैठे हैं, अपने भगवान बीच में है। यदि अपने बीच में भगवान नहीं होता तो ये सत्संग की शुरुआत भी नहीं होती, गणेश वंदना में नहीं होती, भगवान नहीं होता तो, क्योंकि भगवान है, कोई न कोई रूप में भगवान है, माँ के रूप में भगवान है, बेटी के रूप में भगवान है, शक्ति के रूप में भगवान है, भक्त के रूप में भगवान है, मूर्ति के मैं भगवान प्रकट बिहड़ा है, तो मैं भगवान अपने बीच में सबगट मेरे साइया, खाली घटना कोई बलियारी है उन गट को जागट प्रगट। ये मालकेत बाबा है, अंधंद्रा भंडार पर है, पशुधन की साई करे, आज अपने खेड़े का धनी है, आज इन परिवार में जीता भी लोग, इन राड़ी में रिवास कर रिया, इन गांव में रिवास कर रिया, वहां का धनी है कि कोई पशु में तकलीफ है तो मालकेत बाबा को नाम लो, हाथों हाथ डोकरो इलाज करे कि ना करे, क्योंकि भरोसो बाबा रो गांव रे पीछे बैठा, नहीं मारे कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार। सजनो परिवार हाथ ऊंचा कर सके लेकिन कुल देवता कभी ऊंचा हाथ नहीं करे। 10,000 रुपया मांगो आप रो काको बाबो, अड़ोसी पड़ोसी गई है कौन पैसा, लेकिन मंदिर में आप कड़े ही चला जाओ, चाहे महादेव जी को मंदिर है, चाहे रामदेव जी को है, चाहे बालाजी को है, भगत ने कभी भगवान नाराज कर कौन भेजेगा? आ कौन के बेटा तू काल मांगना आयो, आज और क्या आई हो? बोले आयो जी थोड़ो थोड़ो, लेकिन मांगने को तरीको दूजो मेणो चाहिए। कई तो 10 रुपया मंदिर में चढ़ावे और भगवान ने कहे आपके जैसे भी दो, तो 10 रुपया में जैसे भी को नहीं आवे। 10 रुपया में के तो 2 बीड़ी आए के तुलियारी पेटी आए, 10 रुपया में जैसे भी को नहीं आवे। मांगने की भी औकात होनी चाहिए, जितनी अपनी हिम्मत है उतनी मांगे आप। आगे भगवान शंकर को मंदिर हो, एक भाई जा रहा महादेव जी ने मंदिर में प्रकट होगी, सुबह सुबह टाइम हो, भगवान शंकर बढ़िया प्रसन्न भी होड़ा, अमल डोडा ली होड़ा, बोले भाई मांग। भाई बोले कि बाबा काई मांगू? बोले तेरी इच्छा जो मांग ले। बोले आप देवला? बोले हाँ पक्का देवला। बोले मांगू का? हाँ मांग। भगवान शंकर बोलिया बेटा सुन मारी बात, मैं देऊ जने वरदान डबल दिया करूं। बोले डबल ज्ञान को कि थने एक देऊ जने थारी सासू ने 2 मिले, थने एक थारी सासू ने। जरा भाई बोले के मारे तो हगली गिरे सासू की है, सासू ने काई नहीं मिलनो, मिले जगो अगलो मन मिले। बोले नहीं बेटा मारो वरदान डबल है, तने एक सासू ने 2। बाबा बच्ची जार कहो बाबा मने मेन हाईवे रोड माते मोटी बिल्डिंग 100x100 में बड़ी बिल्डिंग। बोले ततास तू? अबे बहू के तो 1 बिल्डिंग, सासू के 2, सासू तीजा माला रमाई ऊपर बैठी बैठी मटर का करे हेलो। अब बुढ़ापा में डोकरी ऊपर बैठी लिपटू, हरो बटन दबावे डोकरी ऊपर जावे, लाल बटन दबावे डोकरी नीचे आवे हेलो। अबे भींद नहीं रे साहब कालजा में,
कि अरे भक्ति तो मैं करी हैर मजा सासू ले दुख में पाई नौकरी मजा ले बुढ़ापा में है लो। हाँ बेटी ऊंचा हाथ करे सोनिया गांधी हेलीकॉप्टर में करे जो ये बाबा बिल्डिंग सासू रे डबल ये बाबा एक फॉर्चूनर कार सासू रे डबल अबे काला कांच करोड़ा सासू रे हेलो। ये बाबा मारे 10 तोला रो गड़ा में हार हार सासू रे 20 तोला को बुढ़ापा में हेलो। अबे डोगरी बुढ़ापा में आओ छिदी योड़ी गजबड़ पानी दे साले पूरी रोड पर डोगरी एक री चाले 22 सकार ट्रेलर चाले जो। अबे बाप इंद्री की बाबा मने एक हार्ट अटैक रो चटको सासुरे डबल पैकेट बोल गया तो मांगण को तरीको भी अलग होना चाहिए। आप कैसो मांगे जैसो आपके ना बर्तन है। यदि आपके ना 1 किला रो बर्तन है तो आप 1 किलो ही मांगे 5 किला मांगोला तो सजनो 4 किला नीचे गिर जावेला। इसलिए इतना मांगे सही इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई अरे मैं भी भूखा ना रहूं मेरे घर आया साधु ने भूखा इतना दीजिए भगवान मेरे घर आई बहन बेटी भूखी नहीं जावे मेरे घर आया मेहमान भूखा ना जावे मेरे घर कोई साधु आ गया तो उसको पर पेट भोजन मिल जावे इतना मांगे। ये मालकियत बाबा की कृपा है। बहु सागर ऊंडो गणो तिरु न तुरु पार निंग करूं तो नजर न आवे निंगे नी मैं जो यदि मैं संसार में देखनो चाहूं तो मने नजर नहीं आवे बहु सागर की धार एक भरोसे आपके चाले सतगुरु मेरी ना हो। कह कबीर सुनो भाई साधो में बह जातो मजेदार अरे रामानंद गुरु पूरा मिल गया हमारा बेड़ा कर दिया इससे सामर्थ गुरु मिल जावे एड़ा गुरु मिले तो अपारो बेड़ो पार वे आप जीता भी बैठे आपने सब आगे गुरु करोड़ा बिना गुरु जागरण में कोनी आता। प्रथम गुरु है माता और प्रथम गुरु प्रथम निवण मेरे माता पिता को जिनसे बना मेरा शरीर दूजो निवण मेरे गुरुदेव को मेरो पड़गियो भजन में शीरा भगवान की कृपा सा आप जीता भी बैठे ना सब्र माते भगवान की कृपा है। कोई मन में मत सोचना है भगवान कृपा नहीं करे भगवान उस दिन भी कृपा करता आज भी कृपा करे कृपा बिना भजन नहीं मिला करे। बार जो भी खड़े उनसे मेरा निवेदन का वंदन आ जाए पंडाल में आके हाँ बार जो भी गेट पे खड़े मेरे सभी भाइयों से निवेदन भजन भले दो ही सुनो लेकिन बैठ कर सुनो आराम से चाय पीजिएगा पूरी पूरी सुविधा है आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद बामू खोकर बाजडोलिया सभी परिवार सभी टाणीरा जगह भी मेरे युवा कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम मुकेश जी रामनिवास जी महेश जी पूरी टीम ने बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ आइएगा जागरण में आके बैठिएगा जो भी गेट पे खड़े हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आके अंदर बैठ जाए क्योंकि भोजन और भजन हमेशा बैठ के किया जाता है। भोजन कभी खड़े खड़े मत जीवना और भजन कभी खड़े खड़े मत सुनना क्योंकि एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है आज के युग में। हाँ ये रिफाइंड तेल का कमाल है।